मैं स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं किसान बनूंगा, आई विल बी अ फार्मर, मैं किसान हूँ, आई एम अ फार्मर, वह किसान थी, सी वॉज अ फार्मर, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, एम आई अ स्टूडेंट, हाँ सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, यस सर आई एम अ स्टूडेंट, नहीं सर मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट बनेगा, ही विल बी अ स्टूडेंट, यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हर। सो प्लीज टेल मी अबाउट योर इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। माय नेम इज लोचना कुमारी, आई एम 20 इयर्स ओल्ड, I am from Bihar and basically I belong to Banka district. I have completed 10th class from Utkramit High School Bank and I did complete 12th class from Project Girls High School Chandan. And my preparation is going on BA from Achar Satsang College Devghar. And my hobbies is singing and I want to become an IS officer. Thank you. Very good. So when did you come here? I came here to 2nd on January. Very good. You have already told me about your introduction. Okay. Yes. Now, Shri, you tell me about कोई भी चीज करना जरूरी होता है उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? It's a must. It's a must. अगर कोई भी चीज जरूरी है और जरूरी होकर के भी वो बर्बाद हो चुके हैं उनको क्या बोलेंगे? All in vain. इनको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश हिंदी में कि करी कराई बातों पर पानी फिर गया। All in vain. ठीक है, अगर आपको मैं बात करूं कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, यहाँ पे हम लोग क्या उपयोग करेंगे? Do your best, forget the rest. हाँ, right guys. Do your best, forget the rest. आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा कर्म करो आप इतनी ज्यादा मेहनत करो, अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं आप अपने के ऊपर, चाहे आप बुक्स के ऊपर या किसी के ऊपर, आप खुद के ऊपर जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आप परफेक्ट होंगे उस चीज में। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं, व्यवहार व्यक्ति को ही अनुभवी बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, कि व्यवहार व्यक्ति को ही अनुभवी बनाता है। चलिए, लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स क्या होता है? छोड़ो जाने दो गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो। हाँ, छोड़ो जाने दो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स। अगर मैं आपसे पूछू कि आज के लिए काफी है तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Let's call it a day. Let's call it a day. अगर मैं बोलूं कि जल्दीबाजी मत करो, Don't make haste. Don't make haste. अगर मैं बोलूं कि जल्दीबाजी जो करते हैं वो शैतान का काम होता है, Haste make waste. Haste make waste. So जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं सिंपल में डोंट मेक हेस्ट, जल्दीबाजी मत करो। और जो जल्दीबाजी करते हैं Haste make waste. उनका जो काम होता है वो शैतान का काम होता है। ठीक है, वेरी गुड। सो चलिए हम लोग ट्रांसलेट में कुछ घुसते हैं। ट्रांसलेट को जितने भी सारे हमने चीजें पढ़ी है वन मंथ के अंदर, वो टोटल हम लोग आज जानने वाले। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की थी, आई वाज अ गर्ल, वो एक लड़की बनेगी, शी विल बी अ गर्ल, शी विल बी अ गर्ल। देखिए ये है ट्रांसलेट का, हमने न कॉपी में ज्यादा पढ़ाया है न ज्यादा कुछ लिखवाया है, ये है सेंटेंस मेकिंग की फॉर्मूला जिससे हम लोग ये इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जब से हम लोग आ रहे हैं हम लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देते हैं, प्लस सबसे पहले पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर सबसे ज्यादा 99% ध्यान देते हैं ताकि आप इंग्लिश में अच्छी तरह से बातें कर पाओगे। अंडरस्टूड? चलिए, मैं इंजीनियर बनूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर, मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं किसान बनूंगा, आई विल बी अ फार्मर, मैं किसान हूँ, आई एम अ फार्मर, वह किसान थी, सी वॉज अ फार्मर, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, एम आई अ स्टूडेंट, हाँ सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, यस सर आई एम अ स्टूडेंट, नहीं सर मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, नो सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट बनेगा, ही विल बी अ स्टूडेंट, यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल, वह लड़का था, दैट वाज अ बॉय, दैट वाज अ बॉय। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इज एम आर वाज फॉर और दिस दैट दिस दोज को पूरे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब एक चीज से हम लोग ऐड ऐड कर करके बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही तो है सेंटेंस मेकिंग, कि व्हेनेवर
इंग्लिश लैंग्वेज या वेन एवर आई स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज अंडरस्टूड गाइज. सो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जस्ट बोल रहे हैं ये, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश में बोल रही है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी भाषा यही है. अगर मैं कोई भी चीज को इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ हिंदी को इंग्लिश में डायरेक्ट में जवाब दे पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर्मेशन या हिंदी फॉर्मेशन कर सकते हैं. अगर इंग्लिश से हिंदी फॉर्मेशन करनी है या हिंदी से इंग्लिश में जानी हो तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेगी. चलिए मैं कुछ और की ओर चलिए, हमारे सामने कोई एक थिंक है तो उनको क्या बोलेंगे? दिस. अगर हमारे सामने हमारे आंखों के सामने कोई भी चीज दूर में है लेकिन एक है तो उनके वहां पे क्या उपयोग करेंगे? दैट उपयोग करेंगे. अगर मान के चलिए इनफैक्ट हमारे सामने दो मार्कर पेन है लेकिन हमारे सामने है, यहाँ पे कौन क्या चीज यूज करेंगे? These are marker pens बोलेंगे. अगर वही मार्कर पेन्स, दो मार्कर पेन्स हमारी आंखों के सामने नहीं हो करके वो दूर में रहे तो वहां पे क्या उपयोग करेंगे? Those are marker pens. So guys, you know that right now she is speaking in English language with confidently. So I hope and you want to speak in English language, then you can join with me, Mr. Lal Mohan India English Spoken Classes में. So thank you, welcome. We'll be right back.